नमस्कार प्रणाम सबका। भैया पैर छुई गोल लागत है, हम पप्पू यादव। ये पिक्चर चल रहा है चल झूठे, जिसमें आप देख रहे होंगे ये गेटअप कैसा लग रहा है आप लोगों को बताइएगा। और साथ में हमारे राजा महाराजा लग रहे हैं आप जी। ये बहुत पुरानी परंपरा है और उस परंपरा को मैं ढो रहा हूँ और इस पिक्चर में यही दिखाया गया है। मेरे साथ हैं निशा जी, बहुत ही अच्छी एक्टर हैं। निशा जी, आपको इस फिल्म में क्या क्या अच्छा लग रहा है? जी सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप देख सकते हैं इनका गेटअप, हाँ तो ये बहुत ही खूबसूरत है। एक्चुअली हमारा जो इस फिल्म में करेक्टर है, हम लोग राजा महाराजा का किरदार निभा रहे हैं। और मैंने भी बताया है पहले, चल झूठा बहुत अच्छी फिल्म है और मैं पप्पू जी के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ। बहुत अच्छे आर्टिस्ट के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। बहुत मज़ा आया मुझे इनके साथ काम करने में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ही मज़ेदार हमारा एक सीन है जो आप लोग फिल्म में देखेंगे। हमारा और इनका नोक झोंक है, ट्यूनिंग है, तो आप लोग जरूर देखिएगा चल झूठा, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं तो हीरो सोच रही थी लेकिन पिता बन गए तो ऐसा है जी, मेरे पिताजी बने हैं ये। और बहुत ही अच्छा, एक्चुअली मैं जब इनके साथ काम की, बहुत नेचुरल एक्टिंग। और पहले तो मैं घबरा रही थी देख करके कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं इनके सामने, क्योंकि वो खौफनाक लुक इनका आप देख रहे कितना तगड़ा आ रहा है। लेकिन जब काम किया तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छे हैं और बहुत मज़ा एंजॉय करके हमने। ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है पांचाल नरेश की, और इस परंपरा को जो है कैसे निर्वाहन किया जाए। और बेटियों का स्वयंवर होता है, शादी जो है कोई हमारी बेटी जो है प्यार करके शादी नहीं कर सकती। जो भी होता है शादी जो है स्वयंवर के माध्यम से होता है, और स्वयंवर होता है कि जो स्वयंवर जीतता है तो उसी के साथ जो है बिटिया लोगों की शादी होती है। और बहुत अच्छी फिल्म है, आप लोग देखेंगे मज़ा आ जाएगा। और मेरे साथ में हैं पांडे जी, बहुत ही अद्भुत इंसान हैं और भैया से मुलाकात हुई, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। पांडे जी क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो नमस्कार सबको, और अपने क्षेत्रवासियों को सबसे पहले नमस्कार, क्योंकि उनके क्षेत्र में बाहर से लोग आके यहाँ पे फिल्म बना रहे हैं, उनके लिए एक सौगात है और बहुत ही पारिवारिक फिल्म बन रही है। इसलिए हम सबसे पहले अपने क्षेत्रवासियों का सहयोग के लिए धन्यवाद करते हैं। और बहुत ही अच्छा पिक्चर है, ये पारिवारिक पिक्चर है चल झूठा। मैं तो निशा जी के भाई के रोल में हूँ। जी जी, ये मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई हैं, देखिए, और मैं हूँ। तीनों एकदम स्मार्ट लग रहे हैं ना। बहुत, 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 बहुत। मैं साधुवाद करना चाहूँगा यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी का, जो कि यहाँ लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, हम लोगों को सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं और लोग सभी लोग यहाँ जो है आ रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और हरा भरा पूरा क्षेत्र है और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। तो भैया मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि देखिए वहाँ सीन भी हो रहा है और अद्भुत, क्या बात है। और मैं भैया साधुवाद करना चाहूँगा रवि किशन भैया का, साधुवाद करना चाहूँगा हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी बाबा जी का कि इतना सब्सिडी दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा शूटिंग भी अभी के डेट में यूपी में हो रही है, यूपी में नहीं हो रही है उतनी, यूपी में शूटिंग हो रही है। ऐसा कोई मंथ नहीं है जिसमें 10-15 शूटिंग नहीं हो रही है, ये सिर्फ उनका सहयोग की वजह से हो पा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात बोला आपने। जौनपुर जिले में मुंगरा बादशाहपुर, और यहाँ आके जो है बहुत ही अद्भुत, यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है। जो हम लोग चाह रहे थे अखाड़ा, वो अखाड़ा यहाँ पे है, पुरानी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। भैया यहाँ माता जी का जो है मंदिर है, एक बहुत बड़ा जो है पीपल का पेड़ है, देख सकते हैं आप लोग, आप लोग देख सकते हैं इसको, काफी पुराना लग रहा है पेड़, बहुत अच्छा है ये। और बहुत पुश्तैनी है चीज दिख रही है यहाँ पे। और मैं आप लोगों से और बताऊंगा, कुछ लोग यहाँ और हैं, सब आर्टिस्ट हैं। राम बाबू, मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि निवेदन करूंगा आपसे कि सभी लोगों को धीरे 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 आप दिखा दीजिए, सभी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। देखिए वो मेरी बहनें हैं, माताश्री हैं, इधर हमारे भाभी बैठी हैं, ये हमारे भैया, वो हमारे भाभी, ये हमारे बहुत वफादार और पुराने हैं हमारे घर के। ये आप जो देख रहे हैं आप उनको दिखाइए जो काले टीका लगाए हुए हैं, हमारे एकदम वफादार आदमी हैं। और ये कई इनके दादाजी हमारी सेवा, हमारे दादाओं की सेवा करते हैं, फिर बाबूजी की सेवा किए, अब ये हमारी सेवा कर रहे हैं। पुरखों
से चला रहा तो पुरखों से चला आ रहा है जो इनकी मामा है। सही कह रहे हैं भैया जो है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अद्भुत, बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। भैया राम बाबू, इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है, मैं आपको साधुवाद करता हूँ कि आप पूरे, समझ लीजिए पूरे दिल से आप यहाँ लगे रहते हैं। आप नहीं होते तो शायद जो है चीज़ें बिखर जाती, तो मैं आपको साधुवाद करता हूँ। एक्चुअली मैंने बताया जैसे कि बहुत ही, हमारे भाई साहब ने भी बताया, बहुत फैमिलियर फिल्म है और एक इतिहास को लेके, पंचाल खानदान की स्टोरी लेके चल रहे हैं हम लोग, और हमने पूरी कोशिश की है कि हम उसकी मर्यादा को बाखूबी अच्छे से लेकर चले। और वो कोशिश में ये जो गेटअप है, ऐसे जनरली बहुत सालों के बाद मैं पहनी हूँ, इतना ढका ढका बहुत अच्छा लग रहा है कि भोजपुरी फिल्में में ये सब गेटअप अभी बहुत कम हो गया है, लेकिन जब राजा महाराजा का आया तो देख सकते हैं कितना रिच और अच्छा। हम लोगों को तो काफ़ी मज़ा आ रहा है बिल्कुल काम करके, और आप देखेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा।